ये जादू बन गए चारों के चारों, छोटा जादू बड़ा जादू, बड़ा जादू बड़ा जादू। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। शक्ल बहुत गंदी हो रही होगी, धूल ही धूल थी भाई रोड पे। एक बार को ना हम चिन्याली तोड़ से निकल के ना इतनी गंदी रोड पे पहुंच गए थे। एक होटल तो कोई नहीं मिल रहा, होटल मिल भी रहा है ना भाई तो वही 3,000-4,000, उससे कम में कोई होटल नहीं मिल रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ और हम लोग हैं अभी पनेटा गांव में, जो कि पड़ता है अपना धरासू बैंड से यमुनोत्री वाली रोड पे और बड़कोट के बीच में। नाश्ता कर लिया, मैगी बना ली थी, चाय बना ली थी अपनी खुद ही अपने स्टोव से। निकल रहे हैं यहाँ से केदारनाथ, जो कि है यहाँ से 236 किलोमीटर, तो लेके हमें 7 घंटे और हम आन के चल रहे हैं 8.5 घंटे। उम्मीद करते हैं शाम तक पहुँच जाएंगे 6-7 बजे तक। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा होम स्टे था आंटी का, इसका कोई नाम नहीं है अभी क्योंकि हम लोग इन्होंने इसी सीजन में शुरू किया, हम लोग इनके पहले कस्टमर थे। आंटी को रेट भी नहीं मालूम था कि कितना क्या लगाना है, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे रूम्स का चार्ज करना चाहिए। उन्होंने सिंपल हमसे 600 रुपीज़ मांगे थे और हमने उनको 5 दे दिए। दूध वगैरह का चार्ज वगैरह दे दिया हमने उनको, जो उनसे लिया था हमने 0.5 लीटर। निकल रहे हैं अब यहाँ से सीधे फटाफट से, सुबह के बज रहे 8। उम्मीद करते हैं कि शाम को 6 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग पहुँच जाएँ। अगर रात में चढ़ाई हो रही होगी तो रात में चढ़ाई करेंगे, वरना फिर कल मॉर्निंग में चढ़ाई करेंगे गर्म कुंड में नहाने के बाद। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरी गंदी हो गई है, मड लग गई है पूरी, बहुत ज़्यादा मड लग गई है। आप देख सकते हैं चेन भी टाइट करनी पड़ेगी, सारा सामान सेट है। यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई है, गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई हैं यमुनोत्री धाम, और काफ़ी कल भीड़ थी, आज देखते हैं क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं डोबरा चांटी पुल के जस्ट पास में। सामने आपको दिख रहा होगा डोबरा चांटी पुल, और परसों हम लोग वहीं से आए थे, उसी पर हम लोग गुजर के गए थे। सामने बोट दिख रही आती हुई, टिहरी का डैम वहाँ पर है, और हम लोग अभी जा रहे हैं केदारनाथ। तो हम लोग इस रूट से निकल रहे हैं उत्तरकाशी से केदारनाथ वाले रूट पे चिन्याली सौड़ होते हुए, और बहुत ही ख़तरनाक रोड थी भाई 10 किलोमीटर की शुरू से चिन्याली सौड़ के आगे से। लेकिन भाई अभी ठीक रोड मिल गया है, सही चल रहे हैं हम लोग, टाइमली पहुँच जाएंगे। लेकिन ये व्यू अच्छा दिखा तो हम लोग यहाँ रुक गए। राइट, हम लोग पहुँच गए श्रीनगर, और कितने घंटे की राइड के लिए हम लोगों ने दिशा, अभी कितने बज रहे हैं? 1 बज रहा है। सुबह हम लोग निकले थे 8 बजे, 8:15 समथिंग अराउंड, और अभी 1 बज रहा है। 5 घंटे की लगातार कंटिन्यूस राइड के बाद हम लोग पहुँच गए श्रीनगर, और राइड हम लोगों ने की है कंटिन्यूसली 146 किलोमीटर राइड ना, 5 घंटे की राइड और 146 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया वहाँ से दरासू से यहाँ श्रीनगर के लिए। और हम लोग अभी आ गए हैं CSB यानी कि चाय सुट्टा बार पे, जो है हमारे पीछे, और चल रहे हैं थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं फिर आगे केदारनाथ के लिए। ये है पीछे हमारे CSB, और इधर से हम लोग आ रहे हैं ऋषिकेश, ये जो श्रीनगर का रास्ता है ऋषिकेश से आते हैं, उधर से पड़ता है, और यहाँ से निकल जाते हैं सीधे हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ। तो भाई क्या पीने वाले हुआ CSB में तुम लोग हैं भाई? तो ये है CSB पॉइंट श्रीनगर में, जहाँ हम लोग लास्ट टाइम भी रुके थे, और काफ़ी बढ़िया प्लेस है हैंग आउट करने के लिए। यह स्टूडेंट एरिया ना पूरा श्रीनगर, पूरा स्टूडेंट एरिया श्रीनगर, तो काफ़ी स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे शाम को आते रहते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ बैठ के चाय पी थी, ये जो टेबल एरिया बाहर, अब लोग चले अंदर। अभी क्या ऑर्डर मारना है टुडे स्पेशल में, क्या क्या है? लस्सी कौन पिएगा? हाँ आ गई, हटाना हेलमेट, वो आ गई है अपनी स्पेशल इलायची चाय, एक अभी आ रही है बाकी है। ये वाली ऑर्डर की हम लोगों ने इलायची मीडियम। तो अभी हम लोग बैठे हैं CSB में, और बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें से एक आध नवी जिप चिपकाने वाला हूँ अभी वॉल पे अपनी। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। अभी हम लोग ना बहुत थके हैं और चाय ले रहे हैं अभी, और चाय के बाद लेंगे लस्सी, क्योंकि ठंडा की पता नहीं पेट को, और CSB की चाय ना पी तो क्या ही फ़ायदा CSB आने का। शक्ल बहुत गंदी हो रही होगी, धूल ही धूल थी भाई रोड पे। एक बार को ना हम चिन्याली तोड़ से निकल के ना इतनी गंदी रोड पे पहुंच गए थे कि भाई बहुत ही गंदी रोड थी वो। तो ऑलराइट, हम लोग अभी पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के टेम्पल पे, जो कि हमारे है पीछे बिल्कुल, और हम लोग जा रहे हैं बाइक, हम लोगों ने पार्क कर दी वहाँ पीछे बरगद के पेड़ के नीचे। ये आ रही है अलकनंदा नदी, जहाँ तक कि मुझे पता है अलकनंदा नदी है ये, अगर किसी कोई और नाम हो तो प्लीज़ बता देना मुझे, लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये अलकनंदा नदी है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और ऑलमोस्ट हम लोग CSB से निकल के डायरेक्टली धारी देवी रुके थे। तीसरी बार आ रहा हूँ साइड में, और धारी देवी एक बार भी नहीं आया था, सोचा इस बार माँ के दर्शन करके चलें। बहुत तेज़ धूप हो रही है, और धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। रास्ता पीछे से भी है, जो आप लोग बाइक से कार से आ सकते हो वो उस रास्ते से,
और ये जो रास्ता हम आ रहे हैं ये सिर्फ पैदल वाला है। वाटर का लेवल बहुत कम है तो मंदिर के नीचे तक पानी भरा हुआ है, और जब बारिश रहती है तो मंदिर का जो प्रांगण एरिया है वहाँ तो पानी आ जाता है। सारा बुरांस का जूस है। ये कितने की है कैन बड़ी वाली? हाँ 350। कितने लीटर है इसमें? 5। प्योर भाई, बिल्कुल प्योर है, पानी में लगा हुआ तो नहीं है। ठीक है, स्टैंड कितने रुपया? कितने रुपये बाबा? मर्जी से, प्रभु की इच्छा से। तो शूज़ यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं हम लोगों ने, और इच्छा अनुसार पैसे आप ले सकते हैं बाबा को। ये यहाँ पे आप लोग हाथ पैर धो सकते हैं चप्पल ड्रॉप करने के बाद। और माँ धारी देवी का टेंपल जस्ट बिहाइंड अस। जब बारिश होती ना और काफ़ी पानी भर जाता है इस नदी में, तो वाटर लेवल ना यहाँ तक आता है, पुल के यहाँ तक बिल्कुल। और जब बाढ़ आई थी केदारनाथ की तो मंदिर के बिल्कुल, ये समझ लो आप मंदिर के जस्ट चोटी है ना, उसके थोड़ा सा नीचे से पानी चल रहा था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मंदिर था उस समय। अभी हम लोग चलेंगे अंदर। सो राइट, हम लोग पहुंच गए अभी अगस्त मुनि, और पीछे हो रहा है बारिश का मौसम बहुत खतरनाक वाला, तो उसके लिए ले रहे हैं हम लोग रेनकोट, क्योंकि आगे मिले ना मिले मुश्किल है। तो अगस्त मुनि में हम लोग हैं अभी फिलहाल, और कुछ खाने पीने का सामान भी ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे बहुत महंगा मिलेगा ऊपर चढ़ाई करते हुए। तो यहीं से पूरा बैग भर लिया हम लोगों ने, सारा सामान, चिप्स बिस्किट वगैरह और चॉकलेट वगैरह डाल दिया जो एनर्जी देंगी हमें ऊपर चढ़ने में, और सारा पैक हो गया सामान। अब चलते निकलते हैं फिर ऊपर। पीछे मौसम दिखा देता हूँ, खतरनाक हो रहा है। अगस्त मुनि से आगे पहुँच गए हैं और हम बारिश शुरू हो गई बहुत तगड़ी वाली, तो चारों लोगों ने रेनकोट पहन लिए, जादू बन गए हैं चारों के चारों। और छोटा जादू, बड़ा जादू, बड़ा जादू, बड़ा जादू, तो भाई सारे के सारे जादू बन गए हैं। और रेनकोट खरीद लिया है, 40 रुपए का एक लिया अगस्त मुनि से, हल्का वाला है, बहुत लो क्वालिटी है, बट काम चलाना था, कोई दिक्कत नहीं। सारा सामान पैक है, ये तो वाटर प्रूफ है ही ऑलरेडी। और वो वाले बैग भी हम लोगों ने पोंचो लेके, 40 रुपए का पोंचो लिया और उसको भी पैक कर दिया। लैपटॉप बैग वगैरह सब उसमें थे तो वो पैक कर दिए। अब चल रहे हैं, पीछे मौसम देख रहे हो आप, खतरनाक हो गया है। रोड भी गीला है पूरा, और सारे बाइकर्स जा रहे हैं, तो साथ में थोड़ा सा मतलब वो माहौल सा बना हुआ है, मतलब माहौल तगड़ा वाला, तो बहुत लोग मिल रहे हैं केदारनाथ, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। निकलते हैं फटाफट, 6 बज रहे हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर है सोनप्रयाग। 2 घंटे में पहुंचने का हमारा टारगेट रखा है हम लोगों ने, तो मिलते हैं सीधे अब सोनप्रयाग में। सो ऑलराइट, हम लोग 8 बजे केदारनाथ पहुंच गए थे सोनप्रयाग। और अभी भाई मैं जैसे कि बता रहा था ना आपको कि 4 गुना श्रद्धालु आएंगे गंगोत्री से, भाई 4 नहीं भाई साहब, 20 से 30 गुना श्रद्धालु आ रखे हैं। और पार्किंग में भाई एक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सारी पार्किंग जो डाइवर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। और सुबह दिखाऊंगा आपको मैं पार्किंग का नज़ारा, एक एक गाड़ी ऐसी लग रही है भाई मधुमक्खी का छत्ता हो यहाँ पे पार्किंग में, इतनी पार्किंग है। हमें भी बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, वो ऊपर की साइड में बाइक पार्क करी है हमने कोने में, वहाँ एक ऊपर वाले में, यहाँ वाले में है ना। और 50 रुपये दिए हैं पार्किंग के बाइक के, और जब तक कि केदारनाथ में तब तक के लिए। भाई देख रहे हो आप, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है पार्किंग की कि भाई अवेलेबल नहीं है स्पेस, और आप होटल ढूंढने आ रहे हैं। सामान समेटते हुए हमें 1 घंटा हो गया भाई, कि इधर से उधर करना बैग और कौन सा ले जाना कौन सा नहीं, वो सब करने में 1 घंटा हो गया। और अब चल रहे हैं ऊपर केदार बाबा की तरफ, होटल लेते हैं या फिर चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो हम अपडेट कर देंगे आपको। भाई काफ़ी मशक्कतों के बाद ऑलमोस्ट बिस्तर जो है मिल गया है हमें, होटल तो कोई नहीं मिल रहा, होटल मिल भी रहा है ना भाई तो वही 3,000-4,000, उससे कम में कोई होटल नहीं मिल रहा, थोड़ा हुआ रूम हो रहा है वो भी। और यहाँ पे मतलब भाई लूट रहे हैं एक तरीके से, पहला दिन है आज यात्रा का और आज के दिन ये हालत बता रखी इन लोगों ने, आगे क्या होगा पता नहीं। और एक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक हॉल ले लिया है जिसमें पर बेड का चार्ज हमें लगाया 300 रुपये, और इस हॉल में देखो सभी लोग रुके हुए हैं। और वैसे लाइट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों की लाइट चली गई है, फेज उड़ गया है, तो लाइट की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, बाकी हॉलों में लाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लिया। अब ग्राउंड फ्लोर पे मिल गया हमें, मार्केट भी है पीछे, और ऊपर के फ्लोर पे और सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत सारी है।